हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कई बार ये सवाल एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये 15वें नंबर की है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और दूसरे नंबर की कौन बनी है अभी हाल ही में? द्रौपदी मुर्मू बनी है। लेकिन याद रखिएगा, यह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए, इसी तरह के महत्वपूर्ण सवाल आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे SSC हो, UPSC, रेलवे, बैंक, NDA, आर्मी, पुलिस, आप उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि जो राष्ट्रपति है यह संसद में कहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा, जो संसद है जिसे हम केंद्र विधायिका कहते हैं, क्योंकि यहीं से ही सरकार बनती है। तो देखिए, संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद एक अकेला व्यक्ति है। तो ये जो तीनों होते हैं यह संसद का अंग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये केंद्र की विधायिका है। जैसे केंद्र सरकार है, उसी तरह से राज्यों में सरकारें होती हैं, राज्य सरकार जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर संसद की जगह क्या होता है? विधान मंडल होता है। लोकसभा की जगह वहां पर विधान सभा होती है, और राज्यसभा की जगह वहां पर विधान परिषद होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जगह वहां पर कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह का स्ट्रक्चर केंद्र के विधायिका में बना होता है ना, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है राज्य के विधायिका में, जहां पर राज्य सरकारें बनती हैं। बस यहीं से ही सरकारें बनती हैं। जो लोकसभा का नेता होता है वही तो कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से राज्यों में जो विधानसभाएं होती है ना, उसका जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। देखिए, चलिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। आपको ये याद रखना है कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग में से राष्ट्रपति भी एक अंग है संसद का। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, इसका फ्री PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, ब्रिटेन के सम्राट से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं, इसकी तुलना हम ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान बना है ना, ये बहुत सारे देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा लेकर बना है, लेकिन ज़्यादा किससे मेल खाता है? ब्रिटेन से मेल खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को भारतीय संविधान पूरा कवर करवा चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें पहले समझा दी हैं, बेसिक से समझाया है। संसद क्या होता है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी है, लोकसभा के ऊपर अलग से बनी है, राष्ट्रपति के ऊपर अलग से बनी है, राज्यसभा के ऊपर अलग से बनी है, इनके ऊपर हमने एक एक वीडियो अलग से बना दी है पहले से ही। ठीक है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति इसमें से कौन होता है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है यह राज्य का प्रधान होता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, किसे कहते हैं हम? देश के राष्ट्रपति को ही देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यह सवाल RRB 2006 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, कार्यकाल वैसे समाप्त होने वाला है रामनाथ कोविंद जी का, 25 तारीख को समाप्त हो जाएगा और 25 तारीख को ही शपथ ग्रहण कर लेंगे कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति इसमें से कौन होता है? याद रखिएगा, यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन बनता है? देश का राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इसमें से क्या नहीं है? तो देखिए, उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत देश का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा का भी अगर सदस्य बनना है ना, तो कुछ योग्यताएं होनी चाहिए उसमें। अगर ये सारी योग्यताएं हैं उस व्यक्ति में, तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन क्या इसमें से ज़रूरी नहीं है? वह यह कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाता है जो संसद के लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वह इसका सदस्य नहीं भी है, उसके बाद भी वह व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ठीक है, और वह चुनाव जीत भी सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 प्लस होना चाहिए। याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। देखिए, ये सवाल 2011 और 5 में पूछा जा चुका है SSC और RRB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 35 प्लस तो होना चाहिए, उसके बाद तो जितनी भी एज हो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है? तो देखिए, हम सीधे उन्हें नहीं चुनते हैं, इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष रूप कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसे आप याद रखिएगा, इस लाइन को, इसे हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये सन 2006 में यह सवाल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पर ये केस जाता है अगर किसी तरह का कोई विवाद हो जाता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो ये कहाँ पर केस जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा, ठीक है, वहाँ पर फिर इसका फैसला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला। देखिए, जैसे अभी हमने तीन पॉइंट्स पढ़े थे कि राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ना है तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 प्लस होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट पढ़ा था लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब उसमें योग्यताएँ होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट सही होगा, कौन सी अयोग्यता है इसमें, जैसे कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, ठीक है, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी याद रखिएगा, कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं किया होना चाहिए वह व्यक्ति, तभी वह राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसा होता है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, राष्ट्रपति चुनाव में यह पद्धति अपनाई जाती है। नाम याद रखिएगा, ये लाइन आप याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका उत्तर भी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड, तो ये केस कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग या संसद, इनके पास नहीं जाएगा। चुनाव से रिलेटेड है तो चुनाव आयोग में नहीं जाएगा यह मामला, ये सीधे जाएगा उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। देखिए, हम खुद तो वोट डालने नहीं जाते हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में, ये किस तरह से निर्वाचित किए जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, और जिस पद्धति के द्वारा किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस लाइन को आप याद रखिएगा, घुमा घुमा के ना इसी लाइन से सवाल एग्जाम में आते हैं। इसी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। तो देखिए, हम तो वोट नहीं डालने जाते हैं, तो कौन व्यक्ति होते हैं जो वोट डालते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? तो ये संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत ही डीप मीनिंग है, समझना होगा आपको ना सारी चीज़ें। बेसिक से अगर आप समझते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। देखिए, संसद के दो सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। और विधानमंडल जो होती है ना, जहाँ पर मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जहाँ पर राज्य सरकार, जब राज्यों में जब सरकारें बनती हैं ना, तो विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो इसमें कौन से व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं जो चुनाव में वोट डालते हैं? वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मनोनीत सदस्य भी होते हैं इनमें, लेकिन मनोनीत सदस्य को इसमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होती है राष्ट्रपति चुनाव में। सिर्फ इसमें कौन से व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर हम सीधे आंसर की बात करते हैं। ये जो तीन पॉइंट है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं है वह ऑप्शन डी वाला है। ऑप्शन डी कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये तो गलत बात है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई विवाद खड़ा होता है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो यह केस जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। और यहाँ पर नहीं वर्ड लिखा है, तो आपसे यही सवाल पूछा था यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो वह ऑप्शन डी है। बाकी तीनों जो पॉइंट है ऊपर वाले वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखिएगा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को याद रखिएगा। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, और किस वर्ड का यूज़ किया जा सकता है, और किस वर्ड को हम यूज़ करते हैं भारत के जब भी राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं ना, तो महाभियोग वर्ड का यूज़ किया जाता है। इस वर्ड का यूज़ एक और जगह किया जाता है, जब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जब पद से हटाया जाता है तो वहाँ पर भी महाभियोग वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? इसकी कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, क्योंकि भारत देश के अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, और उस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है महाभियोग, है ना। ये तभी लगता है जब ये संसद का उल्लंघन करते हैं, जब इनके ऊपर आरोप लगता है ना, संसद का उल्लंघन किया है, तो इस आरोप के तहत राष्ट्रपति जी को महाभियोग प्रोसेस के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, प्रश्न कितनी बार घुमा घुमा के पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, सन 2015 में आया है, 5 में आया है, और 4 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? बताइए, किस आधार पर लगाया जा सकता है? अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। देखिए, इसका उत्तर होगा संविधान के अतिक्रमण करने पर
हटाया जा सकता है, या फिर इस तरह से भी हम लाइन यूज कर सकते हैं कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, इनको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको शुरू में कि जो भारत देश का संविधान बना है यह बहुत सारे देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा लेकर बना है, जहाँ से भी जो अच्छा लगा उसे हमने ले लिया और हमारे भारत देश के संविधान को कम्प्लीट किया। तो बताइए जो प्रोसेस है भारत देश के राष्ट्रपति को हटाने की, महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है। यह अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। किस परिस्थिति में महाभियोग लगने पर इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। इसके पहले कौन हटा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है, तो 14 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन इसमें होना चाहिए, तभी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, है ना। कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपने चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्ण के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है इसमें से। तो देखिए सीधे उत्तर की बात करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग द्वारा पारित करने को असंभव बना सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं यही लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, भारत देश का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भारत देश के राष्ट्रपति हैं यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो अनुच्छेद 60 के तहत ये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, लेकिन अगर उस दिन जिस दिन इनको शपथ लेनी है राष्ट्रपति जी को, और उस दिन अगर मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से प्रेजेंट नहीं है, तब ये किसके सामने शपथ लेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उनके सामने ये शपथ ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, देखिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हैं तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, कौन संभालेगा उनके कार्य को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे, किसको देंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन 2019 में पूछा जा चुका है यह सवाल और पहले भी कई बार आ चुका है। यदि भारत देश के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। याद रखिएगा, शपथ किसके सामने लेते हैं, भारत देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, लेकिन जब त्यागपत्र देना होता है तो किसे देंगे, भारत देश के उपराष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है,
किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनको ये सूचना देंगे कि राष्ट्रपति ने मुझे त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप कौन कार्य करेगा? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय कौन होगा हमारे भारत देश का राष्ट्रपति, या फिर थोड़ी देर के लिए राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते हैं? तो देखिए, भारत देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस समय उनका कार्य संभाल लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम भी पढ़े थे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? जो ऐसे स्थिति में बनाए जाते हैं जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें हम भारत देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना लेते हैं। तो वहां पर कौन बनेगा? भारत देश का मुख्य न्यायाधीश ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कभी कि भारत देश के राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह के लिए कार्य करता है, उसके बाद तो नए राष्ट्रपति को चुनना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे? पहले ये केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने, तो ये थे ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्ण निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। जो ज्ञानी जेल सिंह है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह पहले क्या थे? ये पहले क्या थे? राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसके बाद ये सीधे राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के चौथे राष्ट्रपति कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास। इसके पहले हम ये पूरा क्रम देख लेते हैं एक बार। भारत देश के अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं, ये क्रम आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर पर कौन है जो अभी सवाल पूछा है? वीवी गिरी। 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद, 6वें नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी, 7वें नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह, 8वें नंबर पर आर वेंकट रमन, 9वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर पर के आर नारायण, 11वें नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल, 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद जी, और 15वें नंबर पर अभी जो बनी है भारत देश की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नए बने हैं, याद रखिएगा, ये सब आप याद रखिएगा। वैसे ट्रिक के माध्यम से मैं पहले भी याद करवा चुकी हूँ, ट्रिक के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप सारे राष्ट्रपति के नाम क्रम से याद कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक बना रखी है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? 4वें नंबर पर कौन है? वीवी गिरी। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए वाला, भारत का राष्ट्रपति जो 4वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वह है वीवी गिरी। देखिए, सवाल एग्जाम में पहले भी आ चुका है, ये सवाल पूछे जाते हैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, 4वें नंबर पर कौन थे? क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कितने साल तक रहे हैं? 12 साल तक ये इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? इसके पहले सिर्फ कांग्रेस के ही होते थे, लेकिन पहली बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? कौन थे? वह थे वीवी गिरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए थे, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं, कौन नहीं है? सी राजगोपालाचारी अभी तक भारत देश के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबे समय तक भी रहे हैं, 12 साल के लिए रहे हैं, और दो बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। लगातार दो बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे हैं? कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह सवाल कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के आ चुका है, सन 2002, 2004, 2012, 2019 में कई बार आ चुका है यह सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्ण ही हो गई थी? वे कौन थे? ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्ण ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में होता है। देखिए सवाल कैसे घुमा के पूछा है, है ना, सिंपल सा सवाल हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि भारत देश का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो देखिए सवाल इस तरह से घुमा घुमा के या फिर थोड़े से टिपिकल वर्ड्स डाल दिए जाते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही रहता है उस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नहीं करता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत देश का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत देश का राष्ट्रपति कर सकता है, और साथ में बहुत सारे लोगों की भी यह नियुक्ति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकते भारत देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? वह है राज्यपाल। जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं इन्हें राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, लेकिन इन्हीं की मर्जी तक ही ये बने रह सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति चाहते हैं तो किसी भी राज्य के राज्यपाल 2 साल 3 साल के लिए बन सकते हैं, और जब वो चाहे तब उन्हें हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? राष्ट्रपति जी वैसे तो बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, बहुत सारे आयोगों की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन वित्त आयोग की करते हैं, राजकीय भाषा आयोग की करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्त बिल को पास करने के लिए पूरी तरह से किसकी स्वीकृति होनी चाहिए? भारत देश के राष्ट्रपति की होनी चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे जो भारत देश का संसद है इसके दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, और एक महत्वपूर्ण अंग है इनका नाम है राष्ट्रपति। जब भी कोई बिल वगैरह आता है जिसे हम विधेयक कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, बहुत तरह तरह के होते हैं, तो लोकसभा से भी पास होता है, राज्यसभा से भी पास होता है, उसके बाद आखिरी में राष्ट्रपति जी की मुहर लगती है ना, तब जाकर वो बिल पूरी तरह से पास माना जाता है। कभी कभी कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा से पास हो जाएंगे तो भी उसको पास माना जाएगा, और कुछ बिलों को लोकसभा से भी पास कराना जरूरी है, राज्यसभा से भी पास कराना जरूरी है, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनकी भी पूर्ण स्वीकृति मिलना जरूरी है, है ना। तो सब बिलों का अलग अलग होता है। यहाँ पर कई बार राष्ट्रपति एक पावर का यूज करते हैं, उस पावर का नाम है वीटो। वीटो एक तरह की पावर होती है जिसमें ये पावर का यूज़ करके इस विधेयक को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। जब भी किसी को फांसी की सज़ा मिलती है या फिर ज़्यादा लंबी सज़ा मिल जाती है, उम्र कैद जैसे सज़ा, ऐसी कोई अगर बड़ी सज़ा मिलती है तो राष्ट्रपति के पास पत्र लिखकर माफ़ी मांग सकते हैं या फिर कुछ सज़ा कम करने के लिए बोल सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में पावर है, वो फांसी की सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर ख़त्म भी कर सकते हैं, और या फिर किसी व्यक्ति की अगर कोई सज़ा उसको मिली है और बहुत लंबे सालों के लिए मिली है तो उसको भी वो काफ़ी कम कर सकते हैं। ऐसी पावर है हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, पहले 14 होते थे, क्यों? क्योंकि लोकसभा में दो आंगल भारतीयों को भी मनोनीत करते थे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति, लेकिन अब इनको नहीं किया जाता, तो 14 में से 2 माइनस करिएगा 12, ठीक है? तो अभी सिर्फ 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं भारत देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाए। भारत देश के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है, लेकिन कौन कौन से अधिकार है? क्षमा प्रदान कर सकते हैं, क्षमा प्रदान करना मतलब फांसी की सज़ा कम कर सकते हैं, या फिर किसी को उम्र कैद की सज़ा है तो कुछ सालों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ सज़ा कम कर सकते हैं, ठीक है? और आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, ये अधिकार है, और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये तीनों अधिकार है हमारे राष्ट्रपति जी के पास, लेकिन क्या नहीं है कि ये न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीशों को नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 ऐसा कहता है कि राष्ट्रपति जी को अगर परामर्श लेना है किसी भी टॉपिक पर तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वह संसद के सदनों को बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, मतलब कौन एडवाइस देता है इनको, या फिर इनके हर काम में कौन हेल्प करता है? राष्ट्रपति जी को अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो इनकी हेल्प कौन करेगा? संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद जो कैबिनेट मंत्री है वो, और जो कैबिनेट मंत्री है इनके प्रधान कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जी को अगर कोई कार्य करना है तो उसके पहले परामर्श लेना होता है प्रधानमंत्री जी से, इसलिए हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री जी का नाम ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है और राष्ट्रपति का नाम कम सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि राष्ट्रपति को अगर कोई कार्य करना है तो प्रधानमंत्री ही उनको परामर्श देंगे, या फिर जो भी कह सकते हैं एडवाइस वगैरह उन्हीं से ही उनको लेनी पड़ती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कब की थी? कभी नहीं, अभी तक हमारे भारत देश में आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की गई है। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका फ्री PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।